हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आप अपना वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करोगे। इसके लिए जो कुछ रिक्वायरमेंट रहेगी, सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर आपके वोटर आईडी कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए और साथ में आपके पास एपिक नंबर या रेफरेंस नंबर होना चाहिए डाउनलोड करने के लिए। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाएंगे कि आप अपना वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपको आना होगा अपने मोबाइल फोन के ब्राउजर पे। ब्राउजर पे आने के बाद आपको सर्च करना होगा NVSP। NVSP सर्च करने के बाद आपके सामने नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, तो आपको ओपन कर देना है। नेशनल वोटर पोर्टल का वेबसाइट ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ईपिक डाउनलोड, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाओगे इस साइट पे। उसके बाद अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन NVSP पोर्टल पे की है तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और साथ में आपको अपना पासवर्ड फिल करना होगा और यहाँ से आपको अपना कैप्चा डालना होगा। कैप्चा डालने के बाद आपको लॉग इन कर देना है। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो NVSP के पोर्टल पे तो आपको यहाँ पे डोंट हैव अकाउंट पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा, तो आपको यहाँ पे वो OTP एंटर कर देना है। OTP एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। वेरीफाई OTP पे क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको फिर से वापिस आ जाना है लॉगिन वाले पेज पे। तो लॉगिन वाले पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपने जो वहाँ पे पासवर्ड क्रिएट किया वो डालना होगा। अगर आपको अपना पासवर्ड भूल गया है तो आप यहाँ से अपना जो पासवर्ड है वो फॉरगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको वो मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है जो आपने पहले से ही नेशनल वोटर पे रजिस्टर किया था। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डालना होगा। कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको फिर से लॉगिन वाले पेज पे आ जाना है। लॉगिन वाले पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद आपको पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एपिक डाउनलोड पे क्लिक करना होगा। एपिक डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना एपिक नंबर फिल करना होगा। अगर आपके पास एपिक नंबर अवेलेबल नहीं है तो आपको यहाँ पे अपना फॉर्म रेफरेंस नंबर डालना होगा। अगर आपने कोई न्यू वोटर के लिए अप्लाई किया है तो आपको यहाँ पे आपका जो फॉर्म रेफरेंस नंबर है वो आपको बियालो से मिला होगा, तो आपको यहाँ पे वो एंटर कर देना है। फॉर्म नंबर एंटर करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ से अपनी जो स्टेट होगी वो सिलेक्ट कर देनी है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद एपिक नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने आपका जो एपिक नंबर नेम और रिलेटिव नेम आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखाएगा प्लीज ऑथेंटिकेट यूजिंग OTP वेरिफिकेशन, जो आपका यूनिक मोबाइल नंबर है उस पे एक OTP जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करना है। सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वो OTP एंटर करना है जो आपके मोबाइल नंबर पे भेजा गया है। OTP डालने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाएगा OTP वेरिफिकेशन डन सक्सेसफुली। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड ईपिक पे क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पे कुछ टाइम वेट करना होगा। वेट करने के बाद जैसे कि देख सकते हो जो वोटर आईडी कार्ड है वो डाउनलोड हो गया। तो वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड होने के बाद यहां से आप अपने वोटर आईडी कार्ड को प्रिंट कर सकते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसे लगी वीडियो? अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है डाउनलोड करने में तो मुझे कमेंट कर देना, आपकी हेल्प की जाएगी। अगर आपका यूनिक मोबाइल नंबर आपके वोटर कार्ड के साथ रजिस्टर नहीं है तो मैं आपको वो भी वीडियो जल्द ही चैनल पे डाल दूंगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू।